स्पेशल सीबी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक G20 के चलते शनिवार दोपहर बाद जहांगीरपुरी पहुंचे। दीपेंद्र पाठक के साथ में उत्तरी जिले के DCP सागर सिंह कलसी भी मौजूद रहे। G20 के दौरान उत्तरी पश्चिमी जिले की कमान भी DCP सागर सिंह कलसी को दी गई है। इस मौके पर स्पेशल CP ने बताया कि पूरे क्षेत्र में अमन और शांति है, पुलिस और पब्लिक सभी का सहयोग है। पहले की अभी की अपेक्षा में कितना अंतर है G20 को लेकर? देखिए, अमन चैन है, शांति है और G20 का ये महासम्मेलन हो रहा है, उसमें जो खास करके वल्नरेबल जो कम्युनली सेंसिटिव जो इलाके हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके हिसाब से यहाँ एक पुलिस का इंतज़ाम है, पर्याप्त इंतज़ाम यहाँ पर है, स्ट्रैटेजिक इंतज़ाम है और यहाँ के लोगों को भी साथ लिया हुआ है। तो ये एक दिल्ली पुलिस का एक जो रोबस्ट जो लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट है उसका एक पार्ट है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ सारे फील्ड फॉर्मेशन में सारे स्टाफ यहाँ पर मौजूद हैं और हम समझते हैं, वी आर कॉन्फिडेंट कि बिल्कुल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन होगा और जो पेशेवर तरीका है पुलिसिंग का उसको हम लोग अमल में ला रहे हैं। थैंक यू। और दिल्ली की जनता देश की राजधानी में आए मेहमानों का पूरा स्वागत कर रही है। पूरे देश के लिए शान की बात है, पूर्व में जो क्षेत्र सेंसिटिव रहा था उन क्षेत्रों में नॉर्मल गश्त कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से अमन शांति है। इस सभी की तारीफ स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने की। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।